खबर अब जयपुर के फुलेरा कस्बे से है। यहां के राजपूत मोहल्ला में मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर राजपूत समाज ने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने इस पट्टे को बनने से रुकवा दिया। मंदिर सेवा समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति में राजपूत समाज के लोग नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और पट्टा बनवाने के लिए नगर पालिका मंडल फुलेरा की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कराया। साथ ही पत्रावली संबंधित विभाग को भिजवाकर पट्टा दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया। हमारे पुजारी को रहने के लिए कमरा बना के दिया था और पीछे मंदिर जो हमारा मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के पास में एक बाड़ा नामक जगह थी जो भविष्य में हमें उसे बनाना था। पुजारी ने उस पर कब्जा करने की नीयत गंदी कर ली है और उस पर कब्जा करने के लिए वो तैयार है। हमने नगर पालिका से सहायता ली, काम रुकवाया, लेकिन उसने सफाई का हवाला देकर वो जगह काम चालू कर रखा है उसने। काफी सारे लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने आवेदन दिया है तो उसमें क्या था, राजपूत जो एक सीताराम जी का मंदिर है जो हमने इधर पंचोगी बालाजी मंदिर के पास में है वहाँ पर कोई निर्माण कर रहा है मंदिर के जस्ट पास में, उससे भी कुछ देर पहले आवेदन किया था फाइल के लिए, पता वाली पट्टी के लिए, कब्जा भूमि के लिए। इसमें एक आपत्ति आई थी राजपूत समाज के द्वारा कि जमीन राजपूत समाज की है और मंदिर की है, सर मंदिर की जमीन है जिसका पट्टा जा रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्शन भी लगा हुआ था और आज इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि भाई ये पट्टा